मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए थोड़े थोड़े अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिसका जितना सामर्थ्य, मैं हमेशा कहता हूं अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं। अब ये शॉर्ट प्रैक्टिस हो रही है, दो तरह के पैकेज है योग के। एक लंबे लंबे श्वास, एक संपूर्ण पैकेज है, संपूर्ण अभ्यास क्रम है, एक मुख्य अभ्यास क्रम है। ये सारा करने में 15-20 मिनट लगेंगे, 25-25 भी एक एक राउंड में हो जाता है तो पर्याप्त है। चार राउंड में 100 बार हो जाता है एक एक अभ्यास। मोटापा के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अब उल्टे लेट जाइए, उल्टे लेट जाइए कि एक अभ्यास आपको 100 बार करना है। संख्या की दृष्टि से मैंने आपको कहा हुआ है 100 बार, और समय की दृष्टि से मैंने आपको कहा हुआ है एक अभ्यास को हम जब करते हैं लंबे लंबे श्वास ऐसे 25-25 बार कर, संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 5 मिनट एक योगाभ्यास का कालखंड है, अर्थात एक आसन का व्यायाम का कालखंड बताया मैंने। समय की लिमिट, टाइमिंग, समय की मर्यादा। दूसरी बात, प्राणायाम में करो सब ऐसे 25 बार, ऐसे 25 बार। जो पूरी तरह से स्वस्थ हो उनके लिए तो 25 बार माने एक श्वास में हो जाता है, एक ही श्वास भरा, और ऐसे एक ही श्वास में 25 बार हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, जिनको कमर में दर्द है उनको 5 मिनट तक करना एक एक आसन, आराम आराम से ऐसे। उनको तेजी से नहीं करना, शेष को गतिपूर्वक करना है ऐसे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, दोनों पैर पास में ऐसे। लेकिन बात 100-100 बार से ही नहीं बनेगी। जिनका बहुत ज्यादा वेट है उनका एक बार घट जाएगा 20-30 किलो, फिर एक जाके एक स्थान पर जाके अटक जाता है। ऐसे ही बहुत से अवरोध हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये सारे स्पीड ब्रेकर कब हटेंगे, कब टूटेंगे? जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होगी। क्या बोला मैंने शब्द बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। चलो सीधे लेट जाओ, अभी तो थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक करा रहा हूं। ये सब सिंबॉलिक प्रैक्टिस है, बहुतों को तो मेरी सिंबॉलिक ही बहुत ज्यादा लगती है। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, दोनों पैरों से। योगाभ्यास करते समय कुछ बड़ी बातें बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास कीजिए। ये बात मैंने बार बार कही है। जिंदगी में आंधी है, तूफान है, सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है,
संयोग है, वियोग है, इस नुकसान और अपमान के बीच में, इस जीवन के झंझावातों, जीवन के इन युद्धों और संग्रामों के बीच में जब आप आगे बढ़ते हो ना, तब हर कदम पर ऐसा लगता है संकट है, हर कदम पर मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, कैसे इनके पार जा पाएंगे। पहाड़ की तरह आकर के संकट खड़े हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास भरते हुए मैं बार बार आपको कहता हूं, चाहे जो हो जाए, विधान को कोई टाल नहीं सकता। और तुम्हें भगवान के विधान पर, देश के संविधान पर और अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसी को हौसला बोलते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना, 25 बार हो गया पैर एक अभ्यास, फिर 25 बार ये दूसरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और दिन में जब भी संबंधों में, व्यवहार में, व्यापार में, संसार में, स्वजनों में, अपनों में, और जो अपना नहीं मानते किसी कारण से, हम तो सबको अपना मानते हैं, स्वार्थ से, आग्रहों से, अज्ञान से, ये जो संसार में लोग विरोध करते हैं ना हमारा, घर वाले भी बाहर वाले भी, उसमें बड़ा कारण होता है अज्ञान। जानते हैं उस बारे में, आग्रह होता है, दुराग्रह होता है, हठ होता है। और हमारी अवधारणाएं, हमने किसी भी बारे में एक अवधारणा बना रखी है, अहंकार होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ये कल का छोकरा, ये कैसे आगे बढ़ गया, अरे कल तक तो ये फटीचर था। एक एक पैर से, दोनों से, जिससे जितना बन पाए करना। कल तक तो ये सड़क पर था, आज ये शिखर पर कैसे आ गया। लोगों में अहंकार होता है, अज्ञान होता है, दुराग्रह होते हैं, दुर्भावनाएं होती हैं, दुर्विचार होते हैं, उनकी दुराभ्यास होते हैं, उनके संस्कार होते हैं जो उनको अच्छी चीजों से भी नफरत करा देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में कि अच्छे आदमी को अच्छे काम ऐसे करने चाहिए जैसे बुरे लोग बुरा काम करने में पूरी तरह से लगे रहते हैं, सोचते ही नहीं इसका परिणाम क्या होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे वर्तमान के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस संसार के लिए इसका परिणाम क्या होगा, सोचते नहीं। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षर लोक संग्रहम। बड़ा शून्य बनाओ, एक एक पैर से, दोनों से, जिससे जितना बन पाए, पूरी कौलाई में, पूरी शिद्दत के साथ करना, 100% मेथड करेक्ट होना चाहिए, टाइमिंग पूरा, कंटिन्यूटी पूरी, कंसंट्रेशन पूरा, एकाग्रता पूरी, श्रद्धा पूरी, भक्ति पूरी। योग से मेरे सब रोग कटेंगे, कट गए हैं काफी तो, और कट जाएंगे। जब एक राह मिली है तो मंजिल भी मिल जाएगी। चलता चल ए पथिक, चलता चल, चरई वेती, क्या है बोलो, चरई वेती, चलते रहो। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते यो जागार तम सामानयन्ते यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सखे नौका। लंबे लंबे श्वास,
दोनों पैरों से एक साथ या एक एक पैर से पूरी एकाग्रता से करना। अब जिनको मोटापा है वो सुन लो, उनको 100 बार से लेके एक एक अभ्यास 500 बार करना है। कितनी बार बोले भी नहीं रहे कि हमसे ना करवा दे, कितनी बार 500 बार। जिनका वजन है 125 क्विंटल, 150 क्विंटल, 2 क्विंटल, तो एक बार में ऐसे 4 बार किया, 4 राउंड में, 4 आवृत्तियों में। आजकल जो जवान बच्चे हैं यंगस्टर्स वो बोलते हैं एक सेट 25 का और 4 सेट में कितना हो गया 100 बार। तो ऐसे 5 सेट कर लेना, एक सेट में 4 बार तो 100 बार हो गया। रिलैक्स, ये एक सेट हुआ 25 का, ऐसे एक एक को 4 बार कर लिया तो 100 बार हो जाएगा।